Now come to the next example. Consider the mean term least. Form a Boolean function f given below. जिसमें मीन टर्म्स और डोंट केयर सबको गिवन है. हियर m डिनोट्स मीन टर्म एंड d डिनोट्स डोंट केयर. द नंबर ऑफ असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स ऑफ फंक्शन f इज. ये गेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है. अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें kmap दिए हुए थे. चलते हैं अब अपन ने जैसा पढ़ा उसके हिसाब से इसका kmap बनाते हैं और फिर अपन इस पे क्या करते हैं असेंशियल और उनका मैपिंग करते हैं कि कौन असेंशियल हैं. नाउ पी क्यू आर एस 0001 1110 0001 1110. चूंकि पी क्यू ऊपर है और आर एस इधर है इसलिए अगर मेरी नंबरिंग की बात करता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ये बातें आपको और हमेशा याद रखनी होंगी. ये लिखूंगा नहीं पहली बार लिख दे रहा हूं. अगर आप पी क्यू इधर और आर एस इधर लेते हैं उस केस में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. क्लियर है? तो जो भी आप अप्रोच करते हैं वही रखें. मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरे वाले अप्रोच पे जंप हो जाए. नहीं, आपको जो रखना है रखें, कोई दिक्कत नहीं है. आंसर में कोई चेंज नहीं आना. नाउ कम टू दी मीन टर्म्स. 0 इज ए मीन टर्म, 2 इज ए मीन टर्म, 5 इज ए मीन टर्म, 7 इज ए मीन टर्म, 9 इज ए मीन टर्म, 11 इज ए मीन टर्म. नाउ अब अगर मैं बात करता हूं 3 इज ए डोंट केयर, 8 इज ए डोंट केयर, 10 इज ए डोंट केयर, 12 इज ए डोंट केयर एंड 14 इज ए डोंट केयर. क्लियर है? नाउ सबसे इंपॉर्टेंटली आप एक बात ध्यान रखें वो ये, अगर मैं बात करता हूं इस वन को कवर करने की और इस वन को कवर करने की तो क्या मैं पेयर बनाऊंगा? नहीं. मैं इन डोंट केयर्स को यूज करके मैं क्या बना दूंगा? एक क्वाड. है या ना? नेक्स्ट. अब अगर मैं इन दोनों वन को कवर करना है मुझे तो मैं इन दोनों वन को एक ऐसे कोई क्वाड तो बनेगा नहीं. जो बनेगा वो क्वाड कौन सा होगा? ये है ना? नौ. अब ये दो वन बच गए. जब ये दो वन बच गए तो अब मैं इस एक पेयर को बना दूं, क्योंकि ये पेयर क्वाड में किसी भी वे में कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना. नौ अगर मैं बात करता हूं जो ये मैंने P बनाया, ये मैंने Q बनाया और ये मैंने S बनाया. अगर मैं इसको वन को स्टार लगा दूं, वो जो मैं लगा सकता हूं क्योंकि इस माइंड टर्म को P के अलावा कोई और कवर नहीं कर रहा अभी के लिए, है ना. अगर मैं बात करता हूं इस वन को भी P के अलावा कोई और कवर नहीं कर S के अलावा कवर नहीं कर रहा तो ये भी आपका कौन है? असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट.
अब यहां पर मैं बात करता हूं, इस वन को भी कोई और कवर नहीं कर रहा, तो यह भी आपका एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट है। लेकिन ये बातें आप तब बोल रहे हैं जब आपने सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल बनाए। आपने प्राइम इंप्लिकेंस बनाए क्या? नहीं बनाए ना। तो ये चीज आप गलत कर रहे हैं। अगर आप इतना ही कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ये बात मैं बताने के लिए ये काम मैंने किया ना। अब देखिएगा, अगर मैं इस वन को कवर करता हूं, माना कि ये पेयर है, आई एग्री, लेकिन एक ऐसा भी कोई पेयर बन सकता था, है ना। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ऐसा कोई ये भी एक पेयर बन सकता था, लेकिन ये पेयर नहीं बन सकता था। उसकी वजह है, ये क्वाड बन सकता था, है ना। ये क्वाड, अगर ये क्वाड बना दे रहा हूं तो ये पेयर उस क्वाड का सबसेट है, तो मैं ये एक प्राइम इंप्लिकेंट है। अगर मैं एक और प्राइम इंप्लिकेंट की बात करता हूं तो डोंट केयर्स का प्राइम इंप्लिकेंट है। प्राइम इंप्लिकेंट्स तो है ही ना। नाउ अब तुम देखो, जितने हमने अब ये सब कुछ हमने कवर कर लिया, कोई और पॉसिबिलिटी किसी वे में बचती नहीं है। और इसके अलावा जो कुछ आप बनाएंगे वो सब कौन होंगे? एक सबसेट होंगे किसी दूसरे प्राइम इंप्लिकेंट के, है ना। नाउ अब असेंशियल का जिक्र आप कर सकते हैं। जितने से पहले मैंने किया वो गलत था, ये गलती आप करते, इसको बचाने के लिए मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं। नाउ अब मैं कहता हूं तो ये स्टार अब सही है क्योंकि इसको पी के अलावा कोई और कवर नहीं करता, लेकिन इस वन को पी के अलावा कोई और कवर करता, ये वाला क्वाड। अगर मैं बात करता हूं इस वन की, तो एस के अलावा कोई कवर नहीं करता, तो आप ये लिख सकते हैं। अगर मैं इस वन की बात करता हूं तो भी ये लिख सकते हैं, मैंने सही पर वन रखा। लेकिन इस वन को आप क्यू का पार्ट एक्सक्लूसिवली नहीं कर सकते, है ना। तो हम कह सकते हैं तीन असेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स आपके हैं। बात समझ में आई? अब आता है अगर प्राइम इंप्लिकेंट्स की काउंटिंग की, तो हमने जितने किए उसके अलावा एक पेयर ये भी था, एक क्वाड एक्स्ट्रा ये भी था, दो, एक क्वाड ये भी था, तीन, बस। तो तीन प्लस तीन, छह प्राइम इंप्लिकेंट्स, प्राइम इंप्लिकेंट सिक्स। कुछ लोग नंबर ऑफ प्राइम इंप्लिकेंट्स इसके लिए बहुत सारे बताते हैं। जो बहुत सारे बताते हैं शायद वो एक गलती कर रहे हैं, जो प्राइम इंप्लिकेंट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्राइम इंप्लिकेंट कांट बी द सबसेट ऑफ अनदर प्राइम इंप्लिकेंट। यहां पर जो छह प्राइम इंप्लिकेंट्स मैंने आपको बताए, पी क्यू एस, इसके बाद आपका ये आर, इसके बाद आपका ये टी, और इसके बाद आपका ये वी, कोई भी प्राइम इंप्लिकेंट किसी भी दूसरे प्राइम इंप्लिकेंट का सबसेट नहीं होगा। ये बात आप देख सकते हैं, है ना। ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और वो गलतियां जो आप कभी कर सकते थे उसका जिक्र भी मैंने आपको बता। हालांकि क्वेश्चन करने में चुटकियों का काम था, लेकिन यस, हम पढ़ते वक्त डिटेल में पढ़ना चाहिए। Is there any doubt?